नमस्कार, आप देख रहे हैं अनूपगढ़ ज्योति चैनल। मैं आपके साथ रीतिका अग्रवाल। श्री करणपुर से हमारे संवाददाता जीवन सिंह राजपूत ने बताया कि श्री करणपुर कस्बे के वार्ड नंबर 16 की निवासी महिलाओं ने आज सिमरजीत कौर, परमजीत कौर व पूजा वर्मा के नेतृत्व में नगर पालिका अधिशासी अधिकारी सोहनलाल नायक को ज्ञापन देते हुए मांग की है कि वार्ड 16 के नजदीक गोचर भूमि में काश्तकारों द्वारा बनाए गए गंदे पानी के अस्थायी गड्ढे को घनी आबादी से दूर गोचर भूमि में ही स्थानांतरित कर वार्ड वासियों को राहत प्रदान की जाए। ज्ञापन सौंपते हुए वार्ड नंबर 16 की महिलाओं ने बताया कि गंदे पानी की निकासी के लिए काश्तकारों द्वारा बनाए गए इस अस्थायी गड्ढे के कारण यहां आम जन में विभिन्न बीमारियों का संक्रमण फैलने का खतरा उत्पन्न हो रहा है। वहीं इससे उठने वाली गंदी बदबू में वार्ड वासियों का जीना दुर्भर कर रखा है, जिससे क्षेत्र में भयंकर बीमारियां फैलने की आशंका बनी हुई है। महिलाओं ने अधिशासी अधिकारी से आग्रह करते हुए कहा है कि इस गड्ढे को ऐसी गोचर भूमि से यहां स्थानांतरित कर 5-7 बीघा दूर कर दिया जाए तो क्षेत्रवासियों को बड़ी राहत मिलेगी। वहीं वर्षों से चली आ रही इस समस्या सहित बरसाती दिनों में बिजली बोर्ड के सामने गसिंगपुर मुख्य मार्ग पर इकट्ठा होने वाले बरसाती पानी से भी निजात मिल सकती है, जिस पर नगरपालिका अधिशासी अधिकारी सोहनलाल नायक ने वार्ड वासी महिलाओं को आश्वासन दिया कि जल्द ही इस समस्या का यथोचित समाधान किया जाएगा। नगरपालिका द्वारा आवारा पशुओं को पकड़कर गौशाला में छोड़ा जा रहा है, तो उसके बाद ही बाजार में कुछ पशु दिखाई दे रहे हैं, उसके बारे में आप क्या कह रहे हैं? नगरपालिका द्वारा समय समय पर अभियान चलाकर जो बेसहारा गौवंश है उनको पकड़कर संबंधित गौशाला में भिजवाया गया है। हमारा यही प्रयास है कि लगातार ये कार्य जारी है और इसमें गौशालाओं प्रबंधकों के द्वारा अच्छा सहयोग किया जा रहा है और वर्तमान में क्या है कि हमारा शहर गौवंश से कैपिटल फ्री सिटी बन रहा है और मैं चाहूँगा आमजन भी इसमें अपनी भागीदारी निभाते रहे और अपने दायित्वों को समझें और अपने पशुओं को खुले में नहीं छोड़ें। अब यदि आमजन के द्वारा भी पालतू पशुओं को खुले में छोड़ा जाता है तो उनके विरुद्ध भी नगर पालिका प्रशासन द्वारा कठोर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।